नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। भारत और चीन के बीच में पूर्वी लद्दाख में तनाव चरम पर पहुंच गया है। जब से भारत की सेना ने पेंगोंग लेक के दक्षिणी छोर पे कब्जा किया है, पहाड़ियों पे चीन बौखलाया हुआ है। चीन नीचे है, भारत ऊपर है। लिहाजा जो उसकी वार मॉन्गरिंग मीडिया है, सरकारी मीडिया, वो लगातार एक के बाद एक वीडियो जारी कर रही है किस तरीके से चीनी सेना तिब्बत के पठार पे प्रैक्टिस कर रही है बम गिराने का, गोले गिराने का वार के लिए, और उसने सेना का जमावड़ा वहाँ पे बढ़ा दिया है। वो भारत को डराना चाहता है, धमकाना चाहता है कि हम जंग के लिए तैयार हैं। और वहाँ की परिस्थितियों को लेकर के विदेश मंत्री एस जयशंकर से लेकर के और हमारे जो सेनाध्यक्ष हैं एमएम नरवणे, वो बयान दे चुके हैं कि बहुत ही नाजुक परिस्थिति है, कि दोनों देश की सेनाएं जो है एक दूसरे के फायरिंग रेंज में हैं, आमने सामने है, कभी भी कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। 7 सितंबर को जो घटना हुई थी उसमें भी चीनी सेना ने खुद फायरिंग करके भारत के ऊपर आरोप लगाया था। अब इस ताज़ा स्थिति यह है कि अभी आज शाम को 6 बजे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और वहां के चाइनीज विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात होने जा रही है, लेकिन क्या इस मुलाकात में कोई नतीजा निकलेगा, ऐसा लग नहीं रहा है। तो एक बात ये भी आ रही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाइना के जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, उनकी मुलाकात के लिए पृष्ठभूमि बनाई जा सकती है, क्योंकि जब तक दोनों देश का शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व मिलकर के बात नहीं करेगा, दोनों देश इतने आगे बढ़ चुके हैं कि पीछे लौटना मुश्किल है। भारत का स्टैंड यही है कि आपने शुरुआत की थी और आप ही को खत्म करना है। आप ही ने पहले अप्रैल मई के फर्स्ट वीक में जो है स्टेटस को बदला था। चीन चाहता है कि यदि मैं यहाँ तक आ गया हूँ तो कुछ तो दबा लूँ, जो कि अब संभव नहीं है। बढ़त लिए हुआ था ऊपर जा करके, वही बढ़त भारत ने ले लिया है और उससे ऊपर जा करके, तो मामला गया है यहाँ पे फंस। अब वहाँ के जो ग्लोबल टाइम्स है, सरकारी अखबार है, जो एक के बाद एक वीडियो जारी किया है वार के लिए। अभी जो पीक आई थी 7 सितंबर वाली, किस तरीके से लाठी भाला और शार्प वेपन लेकर के चाइनीज सैनिक नीचे खड़े हुए हैं, वो अभी 30-40 सैनिक वहाँ पे हैं। इस बीच में बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि भारत ने, यानी भारतीय सेना ने अपने ग्राउंड कमांडर्स को साफ साफ निर्देश दिया है कि चीन से कोई भी एक्शन लेने में आपको हिचकना नहीं है, बहुत हो चुका, क्योंकि चीन जो है प्रोवोकेटिव मेजर्स ले रहा है और कोशिश कर रहा है कैसे भारत के कब्जे वाली पहाड़ियों पे वो पहुंच जाए। तो साफ साफ अपने कमांडर्स को भारतीय सेना ने निर्देश दे दिया है कि जो करना है आप करिए, आपको खुली छूट है। इसे इस रूप में भी देखा जा रहा है कि जो विदेश मंत्रियों की बैठक होने जा रही है, चाइना की पुरानी रणनीति रही है कि प्रोवोकेटिव रहिए, एग्रेसिव रहिए, तो उससे क्या है कि सामने वाले को दबाव में लिया जा सकता है। जब भी चीन का राष्ट्रपति भारत आता है तो कहीं ना कहीं आकर के चीनी सेना पहले बढ़ जाया करती थी सिर्फ साइकोलॉजिकली प्रेशर में लेने के लिए, वही काम एक बार फिर से चीन कर रहा है। लिहाजा भारत ने उसको टिट फॉर टैट की तर्ज पे जो है जवाब दिया है अपने कमांडर्स को कि आप एक्शन लीजिए। देखते हैं शाम को 6 बजे जो मीटिंग होती है उसमें कुछ बयान आता है, क्योंकि पिछली बार जब वे फेंगे वहाँ के रक्षा मंत्री के साथ, भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मिले थे, तो कोई बयान नहीं आया था। बाद में दोनों ने अपने अपने हिसाब से बयान दिया था कि हमने ये कहा और हमने ये कहा, नतीजा कुछ नहीं निकला था। नतीजा तो अभी निकलता हुआ सा नहीं देख रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कभी बातचीत बंद नहीं की जाती है, बातचीत चलती रहनी चाहिए, बातचीत चल रही है, लेकिन उस बातचीत का नतीजा अब तब तक नहीं निकलेगा जब तक दोनों देश का शीर्ष नेतृत्व नहीं मिलता है, या फिर जंग के रूप में उसका नतीजा सामने आएगा, देखने वाली बात होगी। जैसे ही इसमें कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।